Assalamu alaikum, dear students, welcome back for our next lecture which is related to mutations and how mutations can affect functioning of a gene. So in this lecture we shall discuss gene structure and different levels at which a gene is regulated or the transcription of a gene is regulated. I shall follow a book which is I am already following. It is Introduction to Genetic Analysis, 10th edition, written by Griffiths, and we shall follow chapter number 16, which is about mutation repair and recombination. So I think I have already discussed with you about this sequence. Actually एक जीन का सीक्वेंस है, इसमें ये स्टार्ट कोडोन है, ये स्टॉप कोडोन है, और इसमें ये मतलब सीक्वेंसेस है, नॉन कोडिंग रीजन है, इसमें प्रमोटर सीक्वेंस भी है, यूटीआर रीजन भी है, इस सॉरी, तो इसमें ये एटीजी है, ये स्टॉप कोडोन है, ये 5 प्राइम यूटीआर रीजन है, प्रमोटर रीजन है, इसी में ये एक्सोन है, ये ब्लैक वाला जो है ये इंट्रॉन्स है, और ये स्टॉप कोडॉन है, इसके बाद ये एंड वाला सीक्वेंस है। अच्छा, एक्चुअली जीन स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, यही चीज़ें जो मैंने डिस्कस की हैं, लेकिन इसको अगर हम ग्राफ के फॉर्म में देखें तो यूकेरियोट्स में नॉर्मली एक स्टार्ट कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन है, उसमें एक्सोन्स हैं, उसमें इंट्रॉन्स हैं। एक्सोन्स आपको पता है कोडिंग रीजन है जिससे प्रोटीन बनती है, बाद में आरएनए बनता है। इंट्रॉन्स ऐसे रीजन हैं जो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन जिनकी सप्लाइसिंग हो जाती है, ये मतलब फाइनल प्रोडक्ट इनसे नहीं बनती। अच्छा, इसके अलावा स्टार्ट कोडोन से अपस्ट्रीम 5 प्राइम यूटीआर है जिसको अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। इसका मतलब ये कि आरएनए के साथ तो ये सीक्वेंस होगा लेकिन इसकी ट्रांसलेशन नहीं होगी, इससे प्रोटीन नहीं बनेगी। उससे फर्दर अपस्ट्रीम प्रमोटर रीजन है, उसमें कोर प्रमोटर होता है, कोर प्रमोटर में जनरली एक मिनिमल सीक्वेंस है जो इसके ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है, या ऐसा सीक्वेंस जिसके साथ जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो इसके साथ अटैच हो सकती हो। आप एक टाटा बॉक्स के नाम के एक सीक्वेंस से आप लोग फेमिलियर होंगे, तो कोर मोटमोट सीक्वेंस में टाटा बॉक्स जनरली होता है। फिर उसके बाद कुछ और सीक्वेंसेस हैं जिनको रेगुलेटरी एलिमेंट्स कहते हैं, वो इस ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद इन्हांसर साइलेंसर सीक्वेंसेस हैं। ये इन्हांसर साइलेंसर सीक्वेंसेस या तो इस रीजन में होंगे, प्रॉक्सिमल रीजन में, या ये डिस्टल रीजन में भी हो सकते हैं। ठीक है, इन्हांसर साइलेंसर सीक्वेंसेस दोनों रीजन्स में होंगे, जो कोर प्रमोटर है उसके करीबी रीजन में भी, या ये काफ़ी अपस्ट्रीम जाके 4 KB, 5 KB, इवन मोर देन 5 KB सीक्वेंसेस डिस्टेंस पे भी ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। इन्हांसर एलिमेंट्स या इन्हांसर सीक्वेंसेस ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो जीन ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाते हैं। ऑब्वियसली साइलेंसर सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो जीन ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो याद रखने वाली वो ये है कि जब पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होती है टाटा बॉक्स के साथ इस कोर रीजन में, वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करती है। तो पॉलीमरेज खुद से सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर सकती है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ और सीक्वेंसेस हैं जिनको रेगुलेटरी एलिमेंट्स कहते हैं, जिनको सीज एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, उनकी टाइप्स हमने दो डिस्कस कर ली, इन्हांसर है, साइलेंसर है, और भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो साइट्स हैं जिनको हम इन्हांसर साइलेंसर सीक्वेंसेस कहते हैं, इनके साथ कुछ प्रोटीन्स अटैच होती हैं, उनको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहा जाता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन सीक्वेंसेस के साथ अटैच होते हैं, और फिर उसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम को गाइड करते हैं कि आपने जो रिस्पेक्टिव जीन था उसके ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। ठीक है, ये ORF आप लोगों को पता है, जिसे ओपन रीडिंग फ्रेम इसको कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद टर्मिनेटर सीक्वेंस है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाती है, इसको 3 प्राइम यूटीआर रीजन भी कहते हैं। मतलब DNA के आप लोगों को पता है कि उसको हम जब रीड करते हैं इट इज़ रेड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अच्छा,
तो ये भी ऑब्वियसली ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन में होगा, आरएनए के साथ ही सीक्वेंस होगा। फिर हमने जैसे देखा है इनहांसर साइलेंसर सीक्वेंस इस साइड पे हैं, तो इसी तरह जो डाउन स्ट्रीम रीजन है 3 प्राइम रीजन जो है वहाँ पे भी कुछ इनहांसर साइलेंसर सीक्वेंसेस हो सकते हैं जो जीन ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करेंगे। तो अब आप कह सकते हैं कि किसी जीन के 2 मेजर कंपोनेंट हैं, एक में रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं जो इसके ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करते हैं, और दूसरा उसके ओपन रीडिंग फ्रेम रीजन है जहाँ पे उसके कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन होंगे। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। यू नो दैट प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स नहीं होते, और जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि प्रोकैरियोट्स में एक ही प्रमोटर एक से ज़्यादा जीन्स को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ आप लोग याद रखें यूकेरियोट्स में मोस्टली, बल्कि मैं कहूँगा मोर देन 99% एक प्रमोटर है और एक उसके साथ जीन है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक प्रमोटर सीक्वेंस या रेगुलेटरी रीजन होगा, उसके साथ एक से ज़्यादा जीन्स या ओपन रीडिंग फ्रेम्स भी हो सकते हैं। ये पॉलीसिस्ट्रोनिक ओपरोन है। अब ओपरोन क्या है? जिसमें एक से ज़्यादा जीन्स एक ही प्रोमोटर के जरिए रेगुलेट हो रहे हो। प्रोकैरियोट्स में ओपरोन्स होते हैं। अच्छा, अब इसमें मोर और लेस वही चीज़ है, यूटीआर रीजन होगी, 5 प्राइम प्रोमोटर सीक्वेंस है, प्रॉक्सिमल है, इसको ऑपरेटर भी कहते हैं, इनहांसर है, साइलेंसर रीजन है। यहाँ पे एक ORF ये, जिसे एक प्रोटीन कोड होगी, फिर 3 प्राइम यूटीआर है, फिर दूसरा ORF है जिसे दूसरी प्रोटीन कोड होगी। इनमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है -10 बॉक्स और -35 बॉक्स। तो इस प्रमोटर रीजन में 2 सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जिनके साथ जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अटैच होती है, एक -10 बॉक्स है ये भी सीक्वेंस है और एक -35 बॉक्स। ये एक्चुअली जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है उससे 10 बेस पेयर्स अपस्ट्रीम होंगे और ये 35 बेस पेयर अपस्ट्रीम होंगे, तो इसीलिए जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है इसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद वाले जितने सीक्वेंसेस होंगे वो +1 होंगे, 2 होंगे, 3, 4, 5 अपस्ट्रीम, सॉरी अपस्ट्रीम वालों को माइनस में नोट किया जाता है। अच्छा, तो अब ये एक जनरल सीक्वेंस है यूकेरियोट्स में, आप इसमें देख सकते हैं ये स्टार्ट कोडोन है, ये स्टॉप कोडोन है, ये एग्जॉन्स हैं रेड वाले, ये ब्लैक वाला इंट्रॉन है, ये यूटीआर है 3 प्राइम यूटीआर, ये 5 प्राइम यूटीआर है, ये टाटा बॉक्स है और ये रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं, ई बॉक्स है और डब्ल्यू बॉक्स, मतलब इनके साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अटैच होते हैं। अब इस सब को अगर हम कंबाइन करें तो ये कैसे पता चलता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहाँ अटैच होंगे यहाँ के? एक्चुअली होता क्या है, ये एक सेल की रिप्रेजेंटेशन है जिसमें ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, सेल की सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स हैं जो इन्वायरमेंट से सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, वो सिग्नल्स कोई भी हो सकते हैं, कोई बैक्टीरियल अटैक हो सकता है, कोई लाइट है, डार्क है, वार्म है, कोल्डनेस है, कुछ भी है, कोई भी स्ट्रीमलेस सेल सरफेस पे जब रिसीव होता है वो उसके बाद वहाँ से कुछ प्रोटीन्स उस सीक्वेंस को लेके, रिसेप्टर प्रोटीन्स उस सीक्वेंस उस स्टिमुलस को रिसीव करके बाद में पास ऑन कर देते हैं टू सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर काफ़ी सारे हैं, उनमें एक एग्जाम्पल कैल्शियम आइंस की है, कैल्शियम आइंस भी सेकेंड मैसेंजर काम करते हैं। होता क्या है कि कैल्शियम आयन जो है कंसंट्रेशन या बढ़ जाती है या कम हो जाती है या मॉड्यूलेट होती है, उसकी वजह से कुछ प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं। उन प्रोटीन्स का काम होता है फॉस्फोरिलेशन या डीफॉस्फोरिलेशन, तो फॉस्फेट ग्रुप कुछ प्रोटीन्स में ऐड कर सकती हैं या वो रिमूव कर सकती हैं, उसको फॉस्फोप्रोटीन कास्केड का नाम दिया जाता है। अब ये फॉस्फोप्रोटीन कास्केड्स फर्दर कुछ और प्रोटीन्स को एक्टिवेट करती हैं जिनको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहा जाता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जनरली इनएक्टिव फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से वो मूव करेंगे इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर फिर वो एक पर्टिकुलर रीजन पे जाके अटैच हो जाएंगे, उस रीजन को सिज एलिमेंट कहते हैं या रेगुलेटरी एलिमेंट कहते हैं, और वो नॉर्मली जीन के प्रमोटर में प्रेजेंट होगा। तो इससे वो फिर वो इसको डायरेक्ट करेगा कि जीन के ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए
या नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, या ये किस टिश्यू में एक्सप्रेस हो। ठीक है, ये वाला सीज एलिमेंट एक्चुअली ये वो सीक्वेंस है, इनमें से कोई एक है। फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू बॉक्स है, तो इस पर डब्ल्यू आर के वाई वर्की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो अटैच होते हैं। अच्छा, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसके बाद अब कौन कौन से लेवल्स हैं जिन पे कोई जीन की ट्रांसक्रिप्शन या उसका फंक्शन, उसकी प्रोटीन की एक्टिविटी रेगुलेट हो सकती है। तो जनरली देर आर 7 डिफरेंट लेवल्स, या 6 या 7 में बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल है, जो भी हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अटैच हों या ना हों, किसी जीन की ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट होती है कि उससे आरएनए बनेगा, नहीं बनेगा, कम बनेगा, ज़्यादा बनेगा, या वो किस टिश्यू में बनेगा। उसके बाद सेकंड लेवल है आरएनए प्रोसेसिंग कंट्रोल, जिसमें आपको हमने देखा था कि या तो स्प्लाइसिंग होती है, कैपिंग होती है। ठीक है, तो आरएनए की प्रोसेसिंग के दौरान भी बात करती होता है कि प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं होती, उसकी वजह से जीन का एक्सप्रेशन, मतलब आरएनए तो बनता है लेकिन वो बाद में डिग्रेड हो जाता है, उससे प्रोटीन नहीं बनती। तो प्रोसेसिंग है, ये सारा कुछ न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। अच्छा, इसके बाद वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा जब आरएनए, तो उसकी ट्रांसपोर्ट और लोकलाइजेशन है। अब अगर आरएनए फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट होता है राइबोसोम्स में, वहाँ उसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, लेकिन अगर वो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं होता ड्यू टू सम रीज़न, उसकी लोकेशन कोई और बन जाती है, तो उसकी ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। तो दिस इज़ अनदर वे कि उसका ट्रांसक्रिप्शन या उसका फंक्शन कैसे कंट्रोल हो रहा है किसी जीन का। फिर उसके बाद नंबर 4 है कि किसी भी जीन से उसकी ट्रांसलेशन कम होती है, नहीं होती है, राइबोसोम्स के अंदर वो स्टक हो जाता है, कोई एरर आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी उसकी जो रेगुलेशन है जीन की वो भी इफेक्ट हो सकती है। फिफ्थ लेवल है एमआरएनए डिग्रेडेशन कंट्रोल, यानी कि आरएनए बन तो गया है लेकिन वो इनएक्टिव हो जाए ड्यू टू सम रीज़न। माइक्रो आरएनए हमने पढ़े थे, तो वो किसी आरएनए के साथ अटैच होकर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाए, उसकी वजह से आरएनए डिग्रेड हो जाए, ये एक एग्जांपल है। और ड्यू टू सम एरर आरएनए किसी भी वजह से इनएक्टिवेट हो जाए, उसे ट्रांसलेशन ना हो। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, ये सारा कुछ हो जाता है। छठा लेवल है कि प्रोटीन बन जाती है, लेकिन वो प्रोटीन इनएक्टिव हो जाती है, उसके में डीफॉस्फोरिलेशन हो जाती है, उस पर फॉस्फोरिलेशन हो जाती है, या कोई और फंक्शनल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, कोई और ग्रुप उसके साथ अटैच हो जाता है, उससे क्या होता है जो प्रोटीन इनएक्टिव हो जाए। तो अल्टीमेटली मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन एंड पे आगे प्रोटीन फंक्शनल नहीं होगी, कोई म्यूटेशन इस जगह पे हो जाती है आरएनए के अंदर, उसकी वजह से प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाती है। तो देयर आर सेवरल रीजंस कि जी सारा कुछ तो होगा लेकिन अल्टीमेटली प्रोटीन फंक्शनल नहीं होगी। अच्छा, इन सब के अलावा एक लेवल और भी है जिसको एपिजेनेटिक कंट्रोल कहा जाता है। अब एपिजेनेटिक कंट्रोल क्या है कि हम शायद पढ़ेंगे नेक्स्ट, कि जो डीएनए सीक्वेंस है इसके साथ कुछ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं, मिथाइल ग्रुप है या इथाइल ग्रुप है। अब वो मिथाइल और इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप अगर अटैच हो जाएगा तो उसकी वजह से इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सके। ठीक है, इसी तरह ये ग्रुप्स अगर प्रोटीन के साथ कहीं अटैच होते हैं तो प्रोटीन एक्टिविटी को भी अफेक्ट करेंगे, या हिस्टोन प्रोटीन हमने पढ़ा हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ अगर वो मिथाइल ग्रुप्स अटैच होते हैं, इथाइल ग्रुप्स या दूसरे ग्रुप्स अटैच होते हैं, तो वो भी अल्टीमेटली जीन के ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एपिजेनेटिक कंट्रोल इज बेसिकली अफेक्टिंग जीन ट्रांसक्रिप्शन, आइदर मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच विद डीएनए और मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच विद हिस्टोन प्रोटीन, दे कैन अफेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दैट जीन। तो दिस इज हाउ देर आर 7 डिफरेंट लेवल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ए जीन एक्सप्रेशन और जीन फंक्शन। अब हम आते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन की तरफ, क्या होगा कि अगर म्यूटेशंस हो किसी भी जीन के नॉन कोडिंग रीजन में। अब नॉन कोडिंग रीजन हम अगर देखें कौन कौन से हो सकते हैं, नॉन कोडिंग रीजन में ये रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नॉन कोडिंग रीजन में ये इंट्रॉन्स हैं, ये 3' यूटीआर है, ये 5' यूटीआर। कोडिंग रीजन सिर्फ यही है, ये रेड वाला जिसको एक्सॉन्स कहते हैं। अच्छा, अब अगर इन नॉन कोडिंग रीजन, अच्छा अब अगर इन नॉन कोडिंग रीजन में कोई म्यूटेशन होती है तो वो म्यूटेशन अल्टीमेटली
अच्छा जी, अब अगर ये नॉन कोडिंग रीजन में म्यूटेशन होती है, ठीक है, तो वो प्रोटीन स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर वो इन इंट्रॉन्स में कोई म्यूटेशन हो तो अल्टीमेटली इंट्रॉन एक्सॉन अगर मिल जाए फॉर एग्जांपल, या कोई एक्सॉन मिस हो जाए तो प्रोटीन स्ट्रक्चर अफेक्ट होगा। लेकिन अगर वो म्यूटेशन होती है इन रेगुलेटरी रीजन्स में या यूटीआर रीजन्स में, तो अल्टीमेटली ये ट्रांसक्रिप्शन को तो अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये शायद प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अफेक्ट ना करें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। तो डीएनए लेवल पे द बाइंडिंग साइट्स इंक्लूड द साइट्स टू विच आरएनए पॉलीमरेज एंड इट्स एसोसिएटेड फैक्टर्स बाइंड। ठीक है, ये प्रमोटर रीजन आ जाएगी। तो साइट्स टू विच स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन प्रोटीन्स बाइंड। ठीक है, ये मतलब वो ये भी रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं उनके। अच्छा, एट आरएनए लेवल द राइबोसोम बाइंडिंग साइट ऑफ एमआरएनए, आरएनए जो राइबोसोम्स के साथ जब अटैच होना है, 5' 3' स्प्लाइस साइट्स फॉर एक्सॉन जॉइनिंग इन यूकैरियोटिक आरएनए, जब यहां पे इंट्रॉन एक्सॉन जॉइन हो रहे होंगे और वो साइट्स अगर अफेक्ट होती है, म्यूटेशन होती है, तो उसकी वजह से हो सकता है एक्सॉन इंट्रॉन मिक्स हो जाए और अल्टीमेटली प्रोटीन स्ट्रक्चर अफेक्ट हो रहे। तो साइट्स दैट रेगुलेट ट्रांसलेशन एंड लोकलाइज एमआरएनए टू पर्टिकुलर एरिया एंड कंपार्टमेंट्स विद इन द सेल, तो अगर इन रीजन्स में अल्टीमेटली म्यूटेशंस होती है, ठीक है, तो ट्रांसलेशन अफेक्ट होगी उसकी, ठीक है, उससे प्रोटीन नहीं बनेगी, लोकलाइजेशन होती है, अल्टीमेटली भी ट्रांसलेशन को अफेक्ट करेगी, तो होगा क्या कि प्रोटीन बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो अब आपसे अगर कोई पूछे क्वेश्चन कि अगर इनमें म्यूटेशंस हो रही है तो म्यूटेशन की वजह से प्रोटीन स्ट्रक्चर अफेक्ट होगा या नहीं होगा, देन यू कैन से देर आर बोथ पॉसिबिलिटीज। प्रोटीन स्ट्रक्चर अफेक्ट भी हो सकता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं भी हो सकता। तो अगर रेगुलेटरी एलिमेंट्स या रेगुलेटरी रीजन्स में कोई म्यूटेशन हो रही है तो इसकी वजह से स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसकी ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन अफेक्ट हो सकती है। तो सिमिलरली अगर उसके मतलब ऐसे रीजन्स में म्यूटेशन हो रही है जो एक्सॉन्स हैं या एक्सॉन इंट्रॉन्स ज्वाइन हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली कोडिंग रीजन को अफेक्ट करेगा और कोडिंग रीजन की वजह से उसका स्ट्रक्चर भी अफेक्ट होगा। ठीक है, या अदरवाइज उसकी ट्रांसलेशन ही अफेक्ट होगी, दोबारा में तो बन जाएगा लेकिन ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इन म्यूटेशन की वजह से ह्यूमंस में कुछ डिजीजेज भी हो सकती है। तो यस, उसका आंसर करेक्टली यस है कि बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं जो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती हैं। सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सुनी होगी, इसी तरह और भी है। तो उनमें से कौन कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल हेरिडिटरी डिजीज की बात की जाए तो ज्यादातर उनमें मतलब सब्स्टिट्यूशंस की वजह से होती है, कि एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया या डिलीशन की वजह से एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है वो बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो उसकी वजह से म्यूटेशन हो सकती है। ठीक है, इनको कम्प्लेक्स म्यूटेशन आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो एक शॉर्ट सीक्वेंस है वो डुप्लीकेट हो रहा है फॉर सेवरल टाइम्स, तो फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी डुप्लीकेशन कम है तो समटाइम्स डिजीज नहीं होती या डिजीज की सिवियरिटी कम है, लेकिन अगर उसकी डुप्लीकेशन ज्यादा हो गई है तो डिजीज सिवियरिटी भी ज्यादा होती चली जाती है, क्योंकि वो अल्टीमेटली या तो प्रोटीन स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा होगा या वो उसकी ट्रांसलेशन को या ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट कर रहा होगा। अच्छा जी, अब उसकी एग्जाम्पल चलिए देखते हैं कौन सी है। तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एक डिजीज है ह्यूमंस में, जो एक ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, तीन न्यूक्लियोटाइड है, CAG है मेरा ख्याल है वो सीक्वेंस, उसकी वजह से उसकी जो मल्टीपल टाइम्स CGG है सीक्वेंस की, इसकी रिपीट्स की वजह से होगा। तो ज्यादातर ये मेल्स में होती है, सॉरी फीमेल्स में 2500 को होगी, हर 2500 में से एक को हो सकती है, सिमिलरली मेल्स में भी। अच्छा, तो अब होगा क्या कि जो बस उसको क्रोमोसोम्स को अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वहां पे मतलब तो एक पर्टिकुलर रीजन होगी जहाँ से क्रोमोसोम्स ज्यादातर ब्रेक होते हैं। अब होता कैसे है, इसकी वजह क्या है जी, एक सीक्वेंस है CGG, एक कोडोन आप लोग कह लें, उसकी रिपीट्स अगर चेंज होंगी, कम होंगी, ज्यादा होंगी, इन्हें पर्टिकुलर जीन कॉल्ड FMR1, तो उसकी वजह से ये म्यूटेशन हो सकती है। अब ये कैसे रिपीट्स कैसे अफेक्ट करती है,
ये फॉर एग्जाम्पल एक जीन है, ठीक है, FMR1 जो जीन है, ये इसका ATG यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, ये इसका UTR रीजन आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन से आप सारेंगे। अच्छा, अब इसमें CGG अगर 6 to 59 टाइम्स है, इसकी रिपीट्स इतनी सारी हैं ATG से अबव, तो फिनोटाइप नॉर्मल होगी, ठीक है, मतलब कि वो नॉर्मल इंडिविजुअल होगा, ट्रांसमिशन मतलब उसकी नॉर्मल एक ऑफस्प्रिंग में जो मतलब ये जाएगा फिनोटाइप, ये जीनोटाइप जो ऑफस्प्रिंग में जाएगी ये भी यही होगी, स्टेबल होगी, मिथाइलेशन नहीं होगी और ट्रांसमिशन होगी उसकी। अच्छा, प्री म्यूटेशन है कि उसकी तादाद अगर इन रिपीट्स की 60 to 200 हो जाए, तो ज़्यादातर तो नॉर्मल ही होते हैं, ठीक है, तो लेकिन ये है कि बाद में जो उनकी फर्दर ऑफस्प्रिंग होंगी उनमें ये रिपीट्स बढ़ सकती हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन होगी, ये भी लार्जली नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे ज्यादा म्यूटेशन हो रही है, मोर देन 200 रिपीट्स हैं CGG सीक्वेंस की, तो उससे होगा क्या कि इनके साथ मिथाइल ग्रुप्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे, ये पिंकिश जो है ये मिथाइल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा था एपिजेनेटिक रेगुलेशन, तो मिथाइलेशन जो है, अगर मिथाइल ग्रुप्स ऐड हो रहे हैं UTR रीजन्स में, इट विल ब्लॉक द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन। जब उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो अल्टीमेटली उस जीन का जो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन था वो भी अफेक्ट होगा। तो वी कैन से दैट इफ देर आर मोर देन 200 रिपीट्स ऑफ CGG न्यूक्लियोटाइड, इट विल प्रमोट मिथाइलेशन ऑफ दिस प्रमोटर सीक्वेंस एंड अल्टीमेटली इट विल ब्लॉक द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन, और ह्यूमन इंडिविजुअल्स में ये डिजीज फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम इसके सिम्टम्स हैं काफी सारी, तो ये डिजीज अपीयर हो जाएगी। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है, मैकेनिज्म कौन सा है जिसकी वजह से ये जो रिपीट्स हैं ये मल्टीप्लाई होती चली जाती है। रेप्लिकेशन स्लिपेज एक मैकेनिज्म है, ठीक है, जो मतलब जो रेप्लिकेशन जब हो रही होती है तो उसमें वो जो एंजाइम है उसकी एक कैपेसिटी है पॉलीमरेज एंजाइम की, वो पर्टिकुलर सिक्वेंसेज को ही रिकोगनाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो उनकी रिपीटेशन उससे ज्यादा हो जाए तो वो फिर उसकी जो डुप्लीकेशन है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन आप कह लें उसकी, या रेप्लीकेशन, बल्कि रेप्लीकेशन ज्यादा सूटेबल होगा, रेप्लीकेशन उतनी यूनिफॉर्म नहीं होगी, फिडेलिटी नहीं होगी इसमें। अगर आपको याद हो तो DNA का एक बड़ा हमने फीचर पढ़ा था कि इसकी रेप्लीकेशन में फिडेलिटी पाई जाती है, कि जैसे इसके पेरेंटल स्ट्रैंड होते हैं वैसे ही इसके जो डॉटर स्ट्रैंड बनते हैं, लेकिन अगर उनमें डुप्लीकेशन ज्यादा है तो अल्टीमेटली उनमें फिडेलिटी नहीं होगी, ठीक है जी। तो आप लोग कह सकते हैं कि कौन सा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जो रिपीट्स हैं ये ज्यादा बढ़ जाती है, तो रेप्लीकेशन स्लिपेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ दीज रेप्लीकेशन। अदर एग्जाम्पल्स में हंटिंगटन डिजीज है, ठीक है, केनेडी डिजीज भी एक है, भी शायद आएगी, तो हंटिंगटन डिजीज इज एन अदर एग्जाम्पल। सो वाइल्ड टाइप HD जीन इंक्लूड्स ए रिपीटेड सीक्वेंस ऑफन विद इन द प्रोटीन कोडिंग रीजन, अभी हमने FMR1 में पढ़ा था वो नॉन कोडिंग रीजन में था, रेगुलेटरी रीजन में, लेकिन हंटिंगटन डिजीज के लिए जो रिपीट्स प्रेजेंट हैं और उनके जो कॉपी नंबर चेंज होता है वो प्रोटीन कोडिंग रीजन में है। अच्छा, तो कैनेडी डिजीज मैंने एक बात की आप लोगों से, तो वो भी होती है, इट इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू रिपीट ऑफ CAG। अच्छा, अब अनअफेक्टेड पर्संस हैव, तो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स नॉर्मली हैव 19 to 21 रिपीट्स ऑफ CAG, ऑन द अदर हैंड नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैव एन एवरेज ऑफ, सॉरी, द अफेक्टेड पेशेंट्स हैव एन एवरेज ऑफ 46 रिपीट्स ऑफ दिस सीक्वेंस। तो अल्टीमेटली अगर ये रिपीट्स ज्यादा होंगी तो ये जिस अमाइनोएसिड को कोड कर रहा है वो अमाइनोएसिड 20 ज्यादा हो जाएंगे उस प्रोटीन के सीक्वेंस में, और अल्टीमेटली उसका स्ट्रक्चर अफेक्ट हो जाएगा और उसका फंक्शन अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कैनेडा डिजीज है वो AR जीन है, एंड्रोजन रिसेप्टर जीन है, तो उसमें म्यूटेशन होती है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड लिसनिंग टू माई लेक्चर, थैंक यू।